हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आम परीक्षा दर्पण बही ज्यामितिर पंचम अध्याय परिमितिर प्रिजिम और सिलिंडर संबंधी किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाधान करवा। तो प्रथम प्रश्न, 8 सेंटीमीटर उच्चता विशिष्ट गोटे सरल प्रिजिम्र भूमि एक समबाहु त्रिभुज, अर्थात तुमको प्रिजिम्र उच्चता दे 8 सेंटीमीटर और भूमि कहला गोटे समबाहु त्रिभुज। भूमिर क्षेत्रफल अर्थात समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल आमको देता ना 25√3 वर्ग सेंटीमीटर। प्रिजिम्र पार्श्वपृष्ठतल क्षेत्रफल आमको पचार। तो फर्स्ट थिंग, प्रिजिम्र पार्श्वपृष्ठतल क्षेत्रफल फर्मूला कौन ना भूमिर परिसीमा इंटु उच्चता। उच्चता अलरेडी देदेज आमको दरकार कौन ना भूमिर परिसीमा। तो भूमिर परिसीमा दरकार भूमिर बाहू, तो समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल आम बाहू पाई। क्षेत्रफल फर्मूला कौन ना √3/4 इंटु बाहूर दर्घ्यर वर्ग, मनकर बाहू है ए, तो मुझे ए स्क्वायर लिखिपर इज इक्वल्स टू के 25√3। बोथ साइड √3 कैनसल हो गले, ए स्क्वायर आस 25 चौक 100, दिस इम्प्लाइज ए के आसो ना 100 वर्गमूल अर्थात 10, 10 आसा आम बाहूर दर्घ्य। तो परिसीमा बा पेरीमीटर मोर के भूमिर परिसीमा ना समबाहु त्रिभुज जेहेतु 3 × बाहूर दर्घ्य अर्थात 3a बा 3 × 10 = 30। बर्तमान मुझे डायरेक्ट पाई पार्श्वपृष्ठतल क्षेत्रफल भूमिर परिसीमा पाइल 30 × उच्चता देती मोर 8, 3 × 24 240 वर्ग सेंटीमीटर करेक्ट आंसर। परवर्ती प्रश्न को जीवा, गोटे सरल प्रिजिम्र भूमि 10√2 मीटर दीर्घ कर्ण विशिष्ट समकोणी समद्विबाहु त्रिभुज, यार उच्चता दे दिला मध्ये केते ना 10 सेंटीमीटर हेले आयतन केते। फर्स्ट थिंग, आयतन पे फॉर्मूला कौन ना भूमिर क्षेत्रफल इंटु उच्चता। उच्चता मत दे भूमि क्षेत्रफल दरकार। अच्छा, ये भूमि कौन कही गोटे समकोणी समद्विबाहु त्रिभुज और तार कर्ण देखिए डायरेक्ट फर्मूला तुम्हें जानी थी। समकोणी समद्विबाहु त्रिभुजर दुटा बाहू सामान ओबियसली, तो कर्णटा कौन ना सामान बाहु इंटु √2 मैम जो कहे √2 इंटु ए। तो ये √2 को √2 अच्छी मैंने सामान बाहू बा ए रूल्य के 10, तमाने 10 है सामान बाहू, भूमि 10 उच्चता भी 10। तो यार गोटे समकोणी समद्विबाहु त्रिभुज तार आर क्षेत्रफल के आसो ना हाफ इंटु भूमि 10 उच्चता 10 भूमि गुणन उच्चता 5 हेले 50 आसा भूमिर क्षेत्रफल। तो उच्चता देते ना से 10 का दे, तो बर्तमान डायरेक्ट आयतन बाहर कर भूमिर क्षेत्रफल है 50, उच्चता है 10, 50 × 10 500 वर्ग सेंटीमीटर करेक्ट आंसर। परवर्ती प्रश्न, एक सरल प्रिजिम्र आधार एक समबाहु त्रिभुज, ये पुणी कहला गोटे समबाहु त्रिभुज, यार उच्चता 7 मीटर एवं पार्श्वपृष्ठतल क्षेत्रफल 210 वर्ग मीटर है। उच्चता दे दिला 7 मीटर, पार्श्वपृष्ठतल क्षेत्रफल देला के 210 वर्ग मीटर है। आधार प्रत्येक बाहूर दर्घ्य आमको के पचार, वेरी सिंपल क्वेश्चन पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन। फर्स्ट, पार्श्वपृष्ठतल क्षेत्रफल आमको दे दिला के 210 वर्ग मीटर। पार्श्वपृष्ठतल क्षेत्रफल फर्मूला कौन ना तुम उच्चता इंटु आधार क्षेत्रफल, क्लियर सॉरी आधार परिसीमा, तेणुक उच्चता ये के 7 आधार परिसीमा, तम समबाहु त्रिभुज परिसीमा, तम समबाहु त्रिभुज परिसीमा के 3 × ए, जो ए है तुम कौन समबाहु त्रिभुज बाहूर दर्घ्य, तेणुक मोर ए दरकार तमें 210 डिवाइडेड बै 7 × 3 = 21, तेज 21 × 210 कटिले तुम के आस 10, तुम बाहूर दर्घ्य के 10, ए तुम करेक्ट आंसर। परवर्ती प्रश्न को जीवा, गोटे सिलिंडर उच्चता यार भूमिर व्यासर 2 गुण लेख। फर्स्ट, उच्चता एच कहार 2 गुण ना भूमिर व्यासर अर्थात 2 × व्यास है टी, एवं यार आयतन 539 घन सेंटीमीटर है। सिलिंडर भूमिर व्यास केते सेंटीमीटर आमको पचार, डायरेक्ट फर्मूला पक, आयतन कौन ना 539 के हम ना πr² × एच। अच्छा, आर स्क्वायर जगार मुझे केते पकई परिबि पिले ना आर हेउछि मोर कौन ना d/2, तमाने आर स्क्वायर केते हिजियो मोर ना d² / 4, तमाने पाई इंटु आर स्क्वायर बा आर स्क्वायर जगार पक d² / 4 × एच। एच जगार मुझे पक पारि ना 2 × डी लिखिदेव रेफरेन्स πr² एच। बर्तमान कैलकुलेशन कर, तुम बाहर के देख फर्स्ट एटा 2 कटिज, तेणुक तुम dq बाहर के 539 2 हरण हो गले गुणन हम एगेन ये 22 × 7 आर पटक गले 7 × 22 हम ये तुम आस। बर्तमान बढ़िया से काट,
ତଣ୍ଡା କେତେ ହେଇଯିବ ନା ଦେଖ ଏଇଟା ତୁମର ଆସିବ 22 ଦୁଗୁଣେ 44 ଏଗେନ୍ ଉଲିଲା 9 53 44 ଗଲେ 9 99 ତ ଫାଷ୍ଟରେ ଦେଖ ପିଲେ 22 ଦୁଗୁଣେ 44ଟା କାଟନି ଫାଷ୍ଟ କାଟଟା 11 କଟିବ 11 ଦୁଗୁଣେ 22 ତେଣୁ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା କେତେ ପଡ଼ିବ ନା 11 ଚଉକୁ 44 ଉଲିଲା 9 11 ନୂଆ 99 ଏଇଟା ହେଲା 49 ତେଣୁ କରି 49 ଇଣ୍ଟୁ 7 49ଟା ମୁଁ କେତେ ଲେଖିପାରିବି 7 ଇଣ୍ଟୁ 7 ଏଗେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ 7 ତାମାନେ ଡି କ୍ୟୁଟା କ'ଣ ଡି ଇଣ୍ଟୁ ଡି ଇଣ୍ଟୁ ଡି ଇଜିକଲ୍ସ ଟୁ 7 ଇଣ୍ଟୁ 7 ଇଣ୍ଟୁ 7 ତାମାନେ ମୋର ଡି କେତେ ଆସିଯିବ 7 ହିଁ ଆସିବ 7 ତୁମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର 4 ଡି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଗୋଟିଏ ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତିର ଖୋଲା କୁଣ୍ଡର ଭିତର ପାଖର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 1 ମିଟର 40 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମିଟରରେ ଲେଖିବି କାରଣ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ଘନ ମିଟରରେ ତ ମୁଁ ଲେଖିବି 1.4 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ବା ହାଇଟ୍ 1 ମିଟର ମିଟରରେ ଦେଇଛି ଏଥିରେ ଅତି ବେଶୀରେ କେତେ ଘନ ମିଟର ପାଣି ରହିବ ଅର୍ଥାତ୍ କେତେ ଘନ ମିଟର ପାଣି ରହିବ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ନା ତା'ର ଆୟତନ ଆମକୁ ପଚାରିଛି ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଲିଣ୍ଡରର ଆୟତନ କ'ଣ ଫର୍ମୁଲା ନା ପାଇ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର୍ ହେଚ୍ ପାଇ ଜାଗାରେ ପକ କେତେ ନା 22/7 ଆର୍ ସ୍କୋୟାର୍ କେତେ ନା ଆର୍ ତୁମର ହେଲା କେତେ ନା 1.4 × 1.4 କାରଣ ତୁମ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଲା କେତେ 1.4 ମିଟର ଇଣ୍ଟୁ ଏଚ୍ କେତେ ନା 1 ମିଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା କାଢ଼ିଦିଅ ତୁମେ 7 × 14 ହେଲେ 0.2 ତ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ସେ କାଲକୁଲେସନ୍ କଲେ ତୁମର ଆନ୍ସର୍ କେତେ ଆସିବ ନା 6.16 କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟିଏ ସିଲିଣ୍ଡରର ବକ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 1584 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆମକୁ ବକ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଇଦେଲା ଭୂମିର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 14 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ଏହାର ଉଚ୍ଚତା କେତେ ଫାଷ୍ଟ ବକ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଇଁ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ନା ଆଧାରର ପରିସୀମା ଆଧାରର ପରିସୀମା ଇଣ୍ଟୁ ଉଚ୍ଚତା ଆଚ୍ଛା ଉଚ୍ଚତା ଦେଇଦେଇଛି ଆମକୁ 14 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କେତେ ହେବ ତୁମର ନା 1584 ଦେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଇରେକ୍ଟ ପକ ଆଧାର ପରିସୀମା ଆଧାର ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ବୃତ୍ତର ପରିସୀମା ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ପରିଧି ତାମାନେ 2πr 2 × π ଜାଗାରେ କେତେ ପକେଇବ 22/7 ଆଚ୍ଛା ଆମକୁ ଉଚ୍ଚତା ପଚାରିଛି ତାମାନେ 2πr ଏଇଟା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଦେଇଦେଇଛି ପିଲା ଆମକୁ ଉଚ୍ଚତା ପଚାରିଛି ତେଣୁକରି 2πr ଆର୍ ଜାଗାରେ କେତେ ପକେଇବ ନା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 14 ଉଚ୍ଚତା ଏଚ୍ ଆମକୁ ଦରକାର 1584 ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଜ୍କୁ ରଖିକି ନେଇ କାଲକୁଲେସନ୍ କର 1584 × 7 ବାଇ 22×44 ଇଣ୍ଟୁ 14 7×14 ଏଇଟା ଦେଖ କାଟ ତୁମର ଏଇଟା ଆସିଯିବ 18 ଆସିବ କାଲକୁଲେସନ୍ କଲେ ତୁମର ଏଜ୍ ଆସିବ 18 ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିପାରୁନ ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ଏଗେନ୍ ଏଇଟା କାଟ 44ରେ କାଟିଲେ ଏଇଟା ଆସିବ ତୁମର 44 3 ତୁମ 44 ତ କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖ 22ରେ କାଟ 22×44 ତାପରେ ଆସିବ ଏଇଟା କେତେ 22/57 ତ ପୁଣି 44 ଏଗେନ୍ 22×44 ତ 72 ଇଏ ହେଲା ତୁମର ତଳେ 2 ଅଛି 4 ଅଛି ତ 2×4 18 × 72 ତୁମର ଏଜ୍ ଆସିଲା କେତେ ନା 18 ସି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟିଏ ସରଳ ଉତ୍ତଭୂମିକ ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତିର ସ୍ତମ୍ଭର ଘନଫଳ 22 ଘନମିଟର ଏହାର ଉଚ୍ଚତା 7 ମିଟର ସ୍ତମ୍ଭଟିର ଭୂମିର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କେତେ ଆମକୁ ପଚାରିଛି ତ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲେ ଏଇଟା ଆମକୁ ଆୟତନ ଦେଇଦେଲା ଅର୍ଥାତ୍ ପାଇ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ଏଚ୍ ଦେଇଦେଲା କେତେ ନା 22 ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଜାଗାରେ ଯାହାର ଭାଲ୍ୟୁ ପକ ପାଇ ଜାଗାରେ ପକ 22/7 ଆଚ୍ଛା ଆମକୁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ପଚାରିଛି ତାମାନେ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ଆମକୁ ପଚାରିଛି ବା ଆର୍ ଆମକୁ ପଚାରିଛି ଆର୍ ସ୍କୋୟାରକୁ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ରଖ ଉଚ୍ଚତା ଦେଇଦେଲା 7 22 ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ସେଠି 22/22 କ୍ୟାନସଲ୍ 7/7 କ୍ୟାନସଲ୍ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର କେତେ ନା 1 ଆର୍ କେତେ ନା ସେଇ 1 କାରଣ 1ର ସ୍କୋୟାର ସେଇ 1 ହିଁ ହେଇଥାଏ 7b ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏକ ସରଳ ପ୍ରିଜିମ୍ର ଆଧାରର ପରିସୀମା 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓ ଉଚ୍ଚତା 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ବୁଝିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାର୍ଶ୍ୱପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଇଁ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ନା ଆଧାରର ପରିସୀମା ଇଣ୍ଟୁ ଉଚ୍ଚତା ଆଧାର ପରିସୀମା ଦେଇଛି ପି ଉଚ୍ଚତା ଦେଇଛି କ୍ୟୁ ତାହେଲେ ପି ଇଣ୍ଟୁ କ୍ୟୁ ପି କ୍ୟୁ ଇଜ୍ ୟୋର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟିଏ ସରଳ ପ୍ରିଜିମ୍ର ଭୂମି 6√2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ସମକୋଣୀ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଏଗେନ୍ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭଳିଆ ଆସିଲା ସମକୋଣୀ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ତେଣୁ ତା କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଛି କେତେ ନା 6√2
आमे जानचे कौन कर्णर फर्मूला ना रुट टू इंटू सामान बाहु अर्थात रुट टू को रुट टू रहा सामान बाहु के छे ए छ इजिक्स टू छ ए इजिक्स टू छ यार उच्चता 8 सेंटीमीटर दे अर्थात हाइटा देते 8 सेंटीमीटर है आयतन के डायरेक्ट पचार तो फास्ट आयतन पे फर्मूला कौन ना भूमि क्षेत्रफल इंटू उच्चता भूमि क्षेत्रफल क्षेफ इंटू उच्चता भूमि क्षेत्रफल के बाहर ना हाफ इंटू भूमि गुणन उच्चता तो भूमि छ उच्चता भी सही छ तो तीन कटिले आसगला अठर छ दीर्घ अठर तेणुक भूमि क्षेत्रफल अठर उच्चता आठ तुम अठर अष्टा के आसो देख आठ अष्टा चौसठ आएगा छः आठ के आठ छः चौदह शहे चौरालीस तुम करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन त्रिभुजाकार भूमि विशिष्ट एक सरल प्रिजिम्र भूमिर बाहू मान दैर्घ्य पांच सेंटीमीटर बार सेंटीमीटर तेरह सेंटीमीटर यार उच्चता दस सेंटीमीटर है यार समग्र पृष्ठतर क्षेत्रफल आमको के पचार फास्ट देख समग्र पृष्ठतल क्षेत्रफल पचार फास्ट समग्र पृष्ठतल क्षेत्रफल सूत्र कौन ना पार्श्व पृष्ठतल क्षेत्रफल प्लस टू इंटु आधार क्षेत्रफल अच्छा अगेन पार्श्व पृष्ठतल क्षेत्रफल फर्मूला कौन ना आधार परिसीमा इंटू उच्चता उच्चता दे दे दस सेंटीमीटर आधार परिसीमा फास्ट बाहर करिया तो आधार परिसीमा के आसो ना गोटे त्रिभुजर बाहू तीन टा दे दे तो पाँच प्लस बार प्लस तेर बार पाँच सतर तेर तीस आसा तुम परिसीमा आधार परिसीमा अर्थात तीस इंटू उच्चता के दस प्लस टू इंटू आधार क्षेत्रफल आधार क्षेत्रफल तुम भाव थे विषम बाहु त्रिभुज फर्मूला पकईक आम करूँ ना ये देख तुम निश्चित भाव लक्ष्य कर पाथ यहाँ तुम गोटे कौन ना ना पिथागोरियो त्रयी कौटा पाँच बार तेर पिथागोरियो त्रयी कौ त्रिभुज केवल आप्लिकेबुल ना समकोणी त्रिभुज आप्लिकेबुल तेणुक पिथागोरियो त्रयी केमी है ना देख सब बड़ किए ना तेर दर्घ वर्ग शहे अणस्तरी इज इक्वाल्स टू बार वर्ग के शहे चौरालीस प्लस पाँच वर्ग पचीस तेनालीरु गोटे पिथागोरियो त्रयी आज जेहतु पिथागोरियो त्रयी निश्चित भाव कौन गोटे समकोणी त्रिभुज समकोणी त्रिभुज है तार बड़ बाहूटा कर्ण तेणुक भूमि आ उच्चता किए पाँच आउ बार तेणुक क्षेत्रफल के हाफ इंटु भूमि इंटू उच्चता जहाँ भूमि जहाँ उच्चता उच्चतम इच्छा तेणुक पाँच दुईश बार हेल्ले छः पंचा तीस आसला आधार क्षेत्रफल तो तीस बर्तमान तीस दस ना तीन शह प्लस तीस दुगुणे षाठी तो तीन शह षाठी है तुम करेक्ट आंसर डी। सो थैंक यू ऑल।